भी देखा मैंने और उतनी ही चाव से और इंटरेस्ट से मैं इस बार भी देख रही हूँ. और ये ऐसी चीज़ें हैं, ये जो एक आर्ट है, ये ऐसा है कि आप जितना देखो उतना कम है. एक एक पेंटिंग में आप घंटों बिता सकते हैं. एक पेंटिंग की डिटेलिंग, जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशंस, जो आंखों में एक्सप्रेशंस दिखाए हैं और जो डिटेलिंग उन्होंने की है, वो बेहद खूबसूरत है. बहुत अच्छा लग रहा है. अनफॉर्चुनेटली शायद मैं ही एक एक्ट्रेस थी जो, मतलब मुझे मौका नहीं मिला. हालांकि उन्होंने आरके फिल्म्स के लिए काफ़ी फोटोग्राफी की, जीनत जी और मुझे लगता है सत्यम शिव सुंदरम का पूरा जो जो जितनी भी फोटोग्राफी थी उन्होंने की थी सिंगल साहब ने. बट मुझे वो, मतलब वो मौका नहीं मिला. सो आई थिंक आई एम हियर नाउ जस्ट टू एक्सपीरियंस कि उन्होंने किस तरह का काम किया. और ये तो खैर सब जानते हैं किस तरह के आर्टिस्ट थे वो. और ये एक अच्छी बात है कि उनके बेटे दिनेश सिंघल और उनके दो भाई वो इस को आगे लेकर जा रहे हैं लोगों के सामने, क्योंकि मुझे लगता है उनको वो अपनी ही कला में व्यस्त थे. और अपनी, जैसे होता है ना, कोई कलाकार कोई चीज़ बनाता है, सोचता है अपने पास ही रखो, खुद के पास ही रखो. तो ये एक अच्छी बात है कि दिनेश ये इसको आगे लेकर जा रहे हैं. और मैं उनका, ऑब्वियसली उनका साथ देने के लिए यहाँ आई हूँ. तो आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. कई सारे बॉलीवुड एक्टर की भी तस्वीरें यहाँ पर उन्होंने दिखाई. आपको कौन सी पसंद आई और क्या कोई घर भी ले जाना चाहेंगे आप इसमें से? मैं तो सभी पेंटिंग्स घर ले जाना चाहूँगी अगर आप पूछेंगे तो. बट उन्होंने जैसे काफ़ी पेंटिंग्स है, डिम्पल की है, रेखा जी की है और काफ़ी एक्टर्स. जैसा मैंने कहा कि मैं ही शायद एक, यू नो, बदकिस्मत थी जिसकी पेंटिंग या इवन फोटोग्राफी, मतलब उन्होंने मेरा शूट भी नहीं किया. तो आई वुड से बस वो एक रहेगा, एक यू नो, मेरे मन में, दिमाग में. तो इनसे डिमांड करना चाहेंगे कि हमारी पेंटिंग भी शूट कीजिए और लगाइए इस तरह से? अभी कहाँ, अभी सिंगल साहब तो रहे नहीं. जो दिनेश सिंघल भी फोटोग्राफी करते हैं, अब जब वो इस लेवल तक पहुंचेंगे तब तो मैं ज़रूर कहूंगी उन्हें. ओके, एक क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच हमारे व्यूअर्स को. हाय, दिस इज पद्मिनी कोल्हापुरे एंड विशिंग ऑल द व्यूअर्स अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जानना चाहेंगे कि आपके पिता, हाँ जी, लेगेसी फोटोग्राफी, आर्ट, स्कल्पचर्स, पेंटिंग सभी की तरह के, तो किस तरह से आप उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो, यस, उसके लेगेसी के बारे में जानना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो उनका खुद का ही जो काम जो है, इतना सब काम वो हमारे पीछे छोड़ के गए हैं. हमारे पास जो है उनके ओरिजिनल पेंटिंग्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन
हमारी फैमिली के पास है, ये उनके इस कलेक्शन को, उनकी आर्ट को जो है हम आर्ट लविंग पब्लिक के सामने लाना चाहते हैं, क्योंकि उनके ओरिजिनल काम को बहुत कम लोगों ने देखा है। उनके प्रिंटेड काम को तो कई लोगों ने देखा है, लेकिन ओरिजिनल पेंटिंग्स को रूबरू जो है वो बहुत कम लोग देख पाए हैं। खाली हमारे फैमिली मेंबर्स और उनके कुछ कस्टमर्स जो होते थे वही देख पाए थे। तो सबसे पहला तो हम वही काम करना चाहते हैं, और नए जनरेशन के आर्टिस्टों को और इंस्पायर करना चाहते हैं कि वो भी इस टाइप का काम देखें, समझें और करें, क्योंकि सारी दुनिया मॉडर्न पेंटिंग्स की तरफ आकर्षित होती है, और रियलिस्टिक काम जो रियल कारीगरी का काम है, जो रियल आर्ट है, वो नया जनरेशन जो है वो भूल गया। उनको इंस्पायर करके उनको फिर से रियलिज्म की पेंटिंग्स की तरफ हम इंस्पायर करना चाहते हैं, जिससे कि ये स्टाइल पेंटिंग का जो है ये आगे बढ़ता चला जाए। काफी सारे एक्ट्रेसेस जिनको मालूम भी नहीं इनकी फोटोग्राफ्स उनके जमाने में या डेब्यू करने के वक्त में खींची थी, जैसे जूही हाँ, जी है, हाँ जी, हाँ जी, पद्मिनी जी है, तो काफी मतलब जानते भी नहीं होंगे उन्होंने इनका फोटो खींचा है। फिर बात नहीं, नहीं सब जानते हैं, सबके साथ जब वो सारी जो एक्ट्रेसेस उस जमाने में जो है, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस जब वो अपना करियर शुरू करने जा रहे थे, तब वो हमारे फादर के पास आते थे अपने आप को ग्रूम करवाने के लिए, अपने पोर्टफोलियोज कराने के लिए, और हमारे फादर के थ्रू फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को प्रमोट कराने के लिए। तो सबको मालूम है, सबने अच्छा कमेंट्स मिलते हैं आज के, मतलब उतने जो पुराने फोटोज देखने के बाद आज एग्जीबिशन में लगते हैं उनके। हाँ जी, तो किस तरह के सर लोग, पहली बात तो जो है उनके जो फोटोग्राफ्स देख के लोग बिलीव नहीं करते हैं कि ये फोटोग्राफ्स हैं। नजदीक से जा के देखते हैं, बोलते हैं ये तो पेंटिंग्स लगती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ब्लैक एंड व्हाइट ईरा था, वो टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट ईरा था। ये फादर के खुद के खींचे हुए फोटोग्राफ्स हैं, और ना सिर्फ खींचे हुए नहीं है, वो डार्क रूम में खुद घुस के जो है खुद इनके प्रिंट बनाते थे। तो उनकी प्रिंट मेकिंग की भी टेक्निक थी, तो और वो कभी भी आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं करते थे, नेचुरल लाइट की फोटोग्राफी करते थे। नेचुरल लाइट फोटोग्राफी प्लस खुद का डेवलप किए हुए डार्क रूम के अंदर प्रिंट्स सनलाइट में ही करते थे, डायरेक्ट सनलाइट नहीं, शेड में करते थे, इसलिए जो है जरा सॉफ्ट पिक्चर्स आती थी उनकी। तो ये उनका फोटोग्राफिक टेक्निक था, और लोग आज भी देखते होंगे तो बड़े ऐसे टाइप के जो फोटोग्राफ जो है खींचना और इनको डेवलप करना बनाना आजकल को भूल गए हैं लोग, फोटोशॉप पे कर लेते हैं लेकिन रियल में नहीं कर पाते। थैंक यू सर।